Hello students, today we are going to record our third video lecture of this chapter, and the name of the chapter is rotational motion, and the topic's name is the center of mass of a uniform rod. In last video lecture we studied about the center of mass and we also did some numericals based on center of mass. Now today we'll calculate that we are having a uniform rod. एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा. ठीक है, तो देखिए एक आपको एक जनरल समझ भी है कि एक अगर आपके पास यूनिफॉर्म रॉड होती है तो उसको अगर आप बैलेंस करें तो वो एक मिड पॉइंट पे आके बैलेंस होती है, मिड पॉइंट पे ही बैलेंस होती है. लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. तो देखिए हमारे पास एक ये यूनिफॉर्म रॉड है, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड. मैंने यहां इसकी थिकनेस बना दी है बट इट्स थिकनेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ. इसकी लेंथ के कंपैरिजन में इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है. जो आपको लेंथ ऑफ द रॉड दी है, लेंथ ऑफ रॉड, दैट लेंथ ऑफ द रॉड इज स्मॉल एल. यहां से लेके यहां तक जो आपको लेंथ दी गई है दैट इज स्मॉल एल. चलिए, एंड द मास ऑफ द रॉड इज, जो रॉड कंप्लीट रॉड का जो मास है, मास ऑफ रॉड इज कैपिटल एन. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी होती है. बेसिकली अगर ये रॉड मेरे पास है और इस रॉड को मैं पकड़ के घुमाना शुरू करूं, तो घुमाने जब मैं घुमाऊंगा तो इस रॉड पे जितना भी मास है उसका इफेक्ट अलग अलग होगा. और इफेक्ट ऑफ मास इन रोटेशन, मतलब मास जो रोटेशन में इफेक्ट पैदा करता है, उसका हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दैट इज मोमेंट ऑफ मास. याद आया? तो मोमेंट ऑफ मास हर मास का, मतलब हर रॉड पे जितना भी मास है वो अलग अलग होगा. डिपेंड करता है आपने रॉड को पकड़ा कहाँ हुआ है. अगर आपने रॉड को यहाँ से पकड़ा हुआ है तो फिर ये वाला हिस्सा, अगर आप इस रॉड को यहाँ से बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये रॉड नीचे जाने की कोशिश करेगी. ठीक है, थोड़ा आगे से बैलेंस करें तो थोड़ा कम नीचे जाएगी, थोड़ा आगे से और बैलेंस करें तो ये बैलेंस हो जाएगी. तो इसका हम बैलेंसिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे, इसका सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे कैसे, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है कि आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, क्या, dx. ठीक है, अच्छा dx किसके लिए लिया है? dx आपने इसलिए कंसीडर किया है, आप ये देखना चाहते हैं कि dx पे जो भी मास है वो इसके रोटेशन में क्या इफेक्ट पैदा कर रहा है, इसको किस तरह से रोटेट कर रहा है. ये जो dx आपने लिया है, इस dx की जो लेंथ है वो क्या है, x. x इज द लेंथ ऑफ दिस dx फ्रॉम द ओरिजिन. ये पॉइंट जहां से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, दिस इज ओरिजिन. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि अगर dx रोटेशन का कोई इफेक्ट पैदा कर रहा है इस रॉड में. रोटेशन के इफेक्ट से क्या मतलब है कि अगर आप इस रॉड को यहाँ से बैलेंस करते हैं तो ये रॉड यहाँ से नीचे की तरफ जानी चाहिए. ठीक है, तो ये वाला जो dx है वो रोटेशन में क्या इफेक्ट पैदा कर रहा है. तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि ये dx का मास कितना है. तो देखिए, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx, dx का मास क्या हो गया. तो देखिए कंप्लीट आपको अगर इसका मास निकालना है तो कैसे निकलेगा, आपके पास रॉड का जितना भी मास है, कंप्लीट मास जो है उसको आप कंप्लीट लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. जब भी आप ऐसा करते हैं आपके पास मास आ जाता है किसका, इस रॉड के एक यूनिट हिस्से का, एक यूनिट टुकड़े का मास आ जाता है. ठीक है, लेकिन आपको मास कितना किसका निकालना है, dx का. dx की कुछ विड्थ है तो आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया dx से. वापस से देखिए, ये जो मास है, मास पर यूनिट लेंथ, ये एक यूनिट हिस्से का मास है.
आपको अगर dx का मास निकालना है तो dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास मास आ गया किसका, dx एलिमेंट का। इसको हमने से नाम दे दिया क्या, m2। चलिए अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। नाउ एज वी नो सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, या मैं इसको एक्स वन ले लूँ या इसको एक्स टू ले लूँ, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। एम वन प्लस एम टू मीन्स ये क्या हो गया इसका, ये टोटल मास है रॉड का। चलिए एम वन एक्स, हमने कहा कि कोई मास यहाँ पे था एम वन, ये एम वन मास कहाँ है, ओरिजिन पे। तो एम वन इन टू जीरो, ओरिजिन पे जो डिस्टेंस हो जाएगा वो जीरो। एम टू मास क्या हो गया, एम टू इज द मास ऑफ दिस डी एक्स, सो दिस विल बी एम बाई एल इन टू डी एक्स इन टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स, डिवाइडेड बाई टोटल मास इज कैपिटल एम, सो दिस विल बी एम बाई एल इंटू एम, इस एम को अपने साथ में लिख लिया, इंटू एक्स डी एक्स। एम से एम कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, वन बाई एल, और अंदर आपने एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट भी लगाएंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स जीरो टू एल। सो वन बाई एल, और इंटीग्रेट किया आपने एक्स का इंटीग्रेशन अगर डी एक्स से करेंगे, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू, सो जीरो टू एम। चलिए अब आपने लिमिट पुट कर दी, सो वन बाई एल एंड दिस विल बी एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, सो वन बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर से ये कैंसिल, सो सेंटर ऑफ मास विल बी एल बाई टू। क्या समझ में आ गया, क्या क्लियर हो गई। चलिए तो इस वाले डेरिवेशन को मैं एक बार और आपको समराइज कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक रॉड ले ली जिसका मास था m, जिसकी लेंथ थी l, और इस रॉड को आपने क्या किया, इस रॉड पे आपने एक dx एलिमेंट ले लिया। जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसी भी बॉडी के लिए तो आपको dx एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, अगर आपको मास नहीं दिया हुआ है, मीन्स मास अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं दिया हुआ है। तो dx एलिमेंट का आपने मास निकाल लिया, dx एलिमेंट का मास निकाला, देन उसको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में पुट किया। आपने एक मास ओरिजिन पे ले लिया, ये ओरिजिन हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, देन m2 x2 सेकंड मास आपने क्या ले लिया, ये। अब सवाल ये कि ओरिजिन पे मास लेने की क्या जरूरत पड़ी, कुछ मास मास आपका dx पे है लेकिन सारा मास आपका dx पे नहीं है, कुछ मास कहीं और पे भी है, आपने मान लिया है कि वो कहाँ है, ओरिजिन पे है। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इन दो मासेस के बीच में आप बैलेंस करने वाले हैं इसको, ठीक है। आपने देन फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला m1 x1 सॉरी प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसको पुट किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर आपने m को m से कैंसिल कर दिया, 1 बाई एल एक्स इन टू डी एक्स, 1 बाई एल बचा, आपने x dx को इंटीग्रेट कर दिया एंड देन लिमिट लगा दी 0 से l की, कंप्लीट लेंथ की लिमिट है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, 0 टू l लिमिट लगा दी, देन लिमिट आपने पुट की तो l स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू आपके पास आ गया, स्क्वायर से ये l कैंसिल हो गया, सो l बाई टू विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म रॉड। चलिए अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, इसके बाद इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, अच्छे अच्छे डेरिवेशन हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं कि आपको एक dx एलिमेंट लेना होगा, उसका मास निकालना होगा और कंप्लीट उसके अगर वो क्या नाम इस हेमिस्फीयर है तो कंप्लीट वॉल्यूम के लिए उसको इंटीग्रेट कीजिए, देन अगर वो कोन है तो उसके लिए आप इंटीग्रेट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो कोशिश कीजिएगा आप, मुश्किल जरूर आएगी, पूछिएगा अगर आपसे नहीं होता है, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए यहीं वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।